नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं प्रमुख खबरों पर। संजय दत्त को महंगी पड़ी छुट्टी। फिल्म अभिनेता संजय दत्त को जेल के बाहर अतिरिक्त छुट्टियां बिताना खासा महंगा पड़ा। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री राम शिंदे ने कहा कि अभिनेता संजय दत्त की कारावास की सजा में 4 दिन और जुड़ेंगे। शिंदे ने कहा कि जब संजय दत्त की छुट्टी की अवधि समाप्त हुई तो उन्होंने जेल के बाहर 4 अतिरिक्त दिन बिताए, क्योंकि उनकी छुट्टी को बढ़ाने पर फैसला उस वक्त लंबित था। उन्होंने कहा कि गलती करने वाले जेल अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच होगी और छुट्टी को बढ़ाने पर फैसले में विलंब के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भाजपा कर सकती है मांझी के पक्ष में मतदान। बिहार में भाजपा ने आगामी 20 फरवरी को विश्वास मत के दौरान मुख्यमंत्री जितेंद्र राम मांझी के पक्ष में मतदान के संकेत दिए हैं। मांझी के विश्वास मत को लेकर भाजपा विधायक दल की 2 दिवसीय बैठक के पहले दिन पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने इस बात के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि भाजपा विधायकों ने सर्वसम्मति से यह विचार व्यक्त किया है कि दलित का अपमान करने वाले नीतीश को करारा जवाब दिया जाना चाहिए और इसलिए उनकी पार्टी को विश्वास मत के दौरान मांझी के साथ खड़ा होना चाहिए। भारत करेगा 6 परमाणु पनडुब्बियों का निर्माण। मोदी सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए नौसेना की शक्ति बढ़ाने के लिए 7 स्वदेशी स्टेलथ फ्रिगेट और 6 परमाणु पनडुब्बियों के निर्माण को मंजूरी दी है। रक्षा सूत्रों ने बताया कि यह फैसला हाल में सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में किया गया। 6 नई पनडुब्बियां बनाने का फैसला 30 वर्ष के पनडुब्बी निर्माण कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसे 1999 में मंजूरी दी गई थी। योजना के तहत 30 साल में 24 पनडुब्बियां बनाई जानी है। परियोजना के प्रस्ताव के लिए इस साल मार्च में निविदा मंगाए जाने की उम्मीद है।